प्यारे बच्चों, हमारे आज की निबंध का शीर्षक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1891 को बंगाल में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। सन 1913 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए पास किया। फिर इंग्लैंड जाकर उन्होंने आईसीएस की कठिन परीक्षा पास की। सुभाष बाबू ने भारत में आकर ऊंची सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। अपने देश प्रेम, त्याग और निडरता के कारण वे लोकप्रिय नेता बन गए। स्वतंत्रता की लड़ाई में वे कई बार जेल गए। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने भारत के लोगों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दुर्भाग्य से सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद न देख सके। 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से जापान जाते हुए एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के क्रांतिकारी सपूत थे। उनका दिया हुआ जय हिंद का नारा भारत में हमेशा गूंजता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।